नमस्कार बंदे मातरम, आप देख रहे हैं द्विशक न्यूज, जो है आपके संघर्ष का सच्चा साथी। आज की खास बिग ब्रेकिंग न्यूज में स्वागत है। शुरू करते हैं आज की खास खबर। विक्रम सिंह जी के द्वारा एक मैसेज किया गया है समस्त अनुदेशकों के लिए। लिखते हैं, पिछले 3 दिनों से लखनऊ में रहकर हसन में भाग दौड़ के जा रहा है। आज भी महानिदेशक महोदया से मिलने के लिए गया था, लेकिन मैडम ने अभी मिलने के लिए समय नहीं दिया। 1-2 दिन बाद मिलने के लिए कहा है। जो सूचना मिल रही थी कि मैडम भी शासन में महानिदेशक के मुद्दे पर बात नहीं हो पाई है, 1-2 दिन में मैडम शासन में वार्ता करेंगी। फिर महानिदेशक मैडम की पर्सनल सेक्रेटरी ने सोमवार को आकर वार्ता करने की बात कही। हम सोमवार 15 को आकर फिर लखनऊ मैडम से वार्ता करेंगे, फिर 15 के आगे की रणनीति बनाई जाएगी। उनके पर्सनल सेक्रेटरी के द्वारा जो जानकारी दी गई, साफ बताया गया है कल 12 को मैडम नहीं रहेंगी, यानी कल मैडम नहीं मिल पाएंगी, और बिना मैडम के वार्ता के कोई भी कदम उठाना अभी जल्दबाजी होगा। फिलहाल अब हम लोग संदीप सिंह जी और केशव प्रसाद मौर्य जी से मिलने के लिए प्रयासरत हैं। ईश्वर प्रार्थना करते हैं इनसे जल्द मुलाकात होगी। आपका विक्रम सिंह। तो आपने देखा साथियों, लगातार 3-4 दिन से विक्रम सिंह लखनऊ में शासन प्रशासन में भागदौड़ कर रहे हैं। किसी तरीके से शासन प्रशासन से उनकी बातचीत हो जाए, उनकी मांगों पर अमल किया जाए। इधर अनुदेशकों में ये बात परेशान कर रही कि 15 दिन के बाद भी कोई भी प्रशासन शासन में अनुदेशकों की बात नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, एक बड़ा सवाल है। क्या फिर से अनुदेशक लखनऊ पहुँचे? ये इस तरह की बातें अनुदेशकों में लगातार चल रही हैं। फिलहाल 30 तारीख को केस लगा हुआ है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, ईश्वर से प्रार्थना करें। साथ ही PDS पटवालिया साहब से मिलकर 30 तारीख को आपकी सुनवाई हो और सुप्रीम कोर्ट में आपके पक्ष में कुछ ना कुछ फैसला किया जाए। लोकसभा चुनाव से पहले ये अनुदेशकों की मांग है कि अनुदेशकों की सुनवाई हो। ये थी खास खबर, मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।